घूमने जा रही हूँ और उसी में मेरी थोड़ी वॉक हो जाएगी। और मस्त जा रहे हैं अभी, मौसम का आनंद लेने के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है मौसम, मौसम बहुत अच्छा है, तो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मॉर्निंग का टाइम है, बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह। और ये ध्रुव को मैं छोड़ने जा रही हूँ, बहुत अच्छा मौसम है। सुबह सुबह फ्रेश हवा एकदम, और बहुत अच्छे पेड़ पौधे खिले रहते हैं, मन खुश हो जाता है चिड़िया की आवाज़ से। तो ध्रुव की बस आ गई है और ध्रुव को मैंने बिठा दिया है, तो यहाँ तक मेरी वॉक हो जाती है। दो बार मैं सीढ़ी चढ़ लेती हूँ। तो मैं फूल लेके आई थी भगवान जी के लिए, कि सुबह मैंने ब्रेकफास्ट में टिफ़िन में बनाए थे पूड़ी और चने, सूखे चने बनाए थे। बहुत अच्छा प्रोटीन रहता है बच्चों को ये खाने के लिए दें। और तो फूल भी लेके आई थी, तो मैं फ्लावर से भगवान जी की पूजा हो गई। तो साथ में फिर मैंने अपना डस्टिंग वगैरह झाड़ू वगैरह कर ली। उसके बाद आती है अपने डिटॉक्स जूस की, तो मैं अपना हेल्दी वाला डिटॉक्स जूस पीऊँगी अब जब मेरा थोड़ा सा काम हो जाता है। उसके बाद सुबह आप चाय वगैरह ले सकते हैं। उसके बाद मैं बनाऊँगी अपना लौकी का हेल्दी जूस, जो बीपी, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड सभी बीमारियों के लिए, 10 बीमारियों के लिए बहुत अच्छा है। तो मैंने लौकी को छील लिया है और ये छोटा सा टुकड़ा लेकर मैं इसको टेस्ट करूँगी कि कड़वा है, चखूँगी थोड़ा कड़वा है या कैसा है। अगर कड़वा लौकी है तो मैं नहीं बनाती हूँ, पहले मैं टेस्ट करती हूँ। कच्चा कच्चा लौकी लेके आती हूँ जिसमें बीज नहीं होंगे, तो मुझे लौकी का पिया नहीं जाता, इसलिए मैंने साथ में ले लिया खीरा। खीरे के मैंने छिलके निकाले नहीं हैं क्योंकि कच्चा खीरा होता है एकदम, और खीरा ककड़ी है ये। उसमें मैंने धनिया, पुदीना, काली मिर्च, जीरा पाउडर और थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट ले लिया है, और थोड़ा सा मैं इसमें डाल दूंगी पानी, और थोड़ा सा लेमन जूस भी ले लें, उससे टेस्ट बहुत अच्छा है। आप धनिया ज़रूर डालें, धनिया से थायराइड वगैरह ठीक हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल है। तो ये मेरा डिटॉक्स जूस बन चुका है, मैं छानती नहीं हूँ, जो भी इसमें पीस आ जाते हैं तो मैं वो खा लेती हूँ। बहुत अच्छा लगता है चबा चबा के, छानने से इसका फाइबर निकल जाता है और इसको वैसे ही बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो स्ट्रॉ तो मैंने ऐसे ही रख दी, मैं ग्लास से ही पी लेती हूँ इसको। तो साथ में मैं अपने हस्बैंड को भी देती हूँ, तो ऑफिस का काम करते हैं वो सुबह तो डिटॉक्स जूस पी लेते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। ये हेल्दी जूस है, आपको इसको सप्ताह 1 वीक या 4-5 दिन भी पी लिया तो आपको 10 दिन के अंदर बहुत अच्छा फील होगा। तो मैंने दिन में बनाई है लौकी और कद्दू, थोड़ा लौकी बच गया था और कद्दू, तो मैंने सब्जी बना रही हूँ इसके लिए। प्याज थोड़ा टेस्ट देने के लिए, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और थोड़ा सा मैंने मस्टर्ड ऑयल ले लिया है सरसों का, और इसमें मेथी दाना डाल दिया है। तो कद्दू की सब्जी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन कभी आपने लौकी और कद्दू को मिक्स करके बनाया है तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है, पता ही नहीं चलेगा इसमें लौकी भी है। तो कड़ी पत्ता बहुत ज़रूरी है खुशबू के लिए, कड़ी पत्ता भी मैं इसमें ऐड करती हूँ। प्याज डाल दिया, थोड़ा सा सॉटे कर लूँगी टमाटर वगैरह, टमाटर को मैं बहुत ज़्यादा पकाती नहीं हूँ, ये देसी टमाटर है। थोड़ा सा नमक डाल दिया है इसमें, हल्दी पाउडर, थोड़े से मसाले इसमें ऐड कर दिए, बहुत ज़्यादा मसाले नहीं, स्पाइसी नहीं, एकदम सिंपल तरीके से खाना मैं बनाती हूँ दिन में। बच्चों को जो खाना है बच्चों के लिए तो बनाना है ही है, क्योंकि बच्चों को हर चीज़ पसंद नहीं आती है। तो मैंने लौकी और कद्दू को डाल दिया है, और थोड़ा सा थोड़ी देर में पक जाएंगे। थोड़ा सा पानी ज़रूर डालें, कोई भी सब्ज़ी बनाएं तो थोड़ा सा पानी डालने से वो अच्छा टेस्ट आता है और वो पक भी जाती है, सूखी सूखे खाने से भी अच्छा नहीं लगता, थोड़ा सा पानी ज़रूर डालें। तो मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है, और साथ में मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ पुलाव, क्योंकि उन कद्दू और लौकी की सब्ज़ी खाने में थोड़ा नाटक करेंगे। तो मैंने तेज़पत्ता और दालचीनी ले लिया है, और बच्चों थोड़ा ऑयल ले लिया है, उसमें दालचीनी का टुकड़ा और जीरा और तेज़पत्ता डाल दिया, थोड़ी सी हींग डाल दी फ्लेवर के लिए, और प्याज, और साथ में ही मैंने डाल दिए टमाटर। तो मेरे 2-3 आप प्याज टमाटर में ही बनाऊंगी, थोड़ा सा पत्ता गोभी और शिमला मिर्च डाल दी, जो मेरे पास सब्जी थी मैंने वो डाल दी, आप जो भी सब्जी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मेरी सब्जी भी साथ में पक गई है, कद्दू की और लौकी की, बहुत अच्छी जो भी सब्जी होती है मैं मिक्स करके बना लेती हूँ उसको फटाफट। साथ में मैंने डाल दिया है नमक, थोड़ी सी हल्दी और जीरा पाउडर, धनिया पाउडर है इसमें, थोड़ा सा मैंने काली मिर्च डाली है, काली मिर्च से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मिर्च वगैरह मैं लाल मिर्च नहीं डालती हूँ इसमें, थोड़ा सा मैंने डाल दिया है, ये गरम मसाला है स्वाद के लिए थोड़ा सा, क्योंकि मैंने काली मिर्च वो लौंग वगैरह नहीं डाली। और थोड़ा सा डाल दिया है मैंने इसमें काजू और किशमिश, बच्चे भले ही निकाल देंगे लेकिन थोड़ा सा फ्लेवर तो आ ही जाएगा। थोड़ा सा डाल दिया मैंने धनिया चॉप किया हुआ, और हमारा पुलाव के लिए मैंने 1 कप चावल थे भिगो दिए। मैं सब चीज़ ज़्यादातर मैं भिगो के ही बनाती हूँ, भिगो के थोड़ा उनका जो भी है केमिकल अगर दवाई वगैरह रखे तो वो निकल जाता है तुरंत में, थोड़ी देर 15 मिनट के लिए तो भिगोती, ऊपर से डाल दिया मैंने 1 चम्मच घी। घी से बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है पुलाव में, और बहुत अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है। तो ये मैंने 1 कप चावल थे, तो 2 या 2.5 कप पानी डाल दिया, 2.5 कप पानी डाल दिया है, और कद्दू की सब्जी भी मेरी रेडी होगी। ऊपर से डाल दिया है मैंने धनिया चॉप करके बारीक बारीक, और मेरा पुलाव भी बन गया। बहुत अच्छा लगा था, ये सिंपल सादा एकदम खाना है, बहुत अच्छा लगता है, बच्चों को भी टेस्ट आता है। तो
और फिर मैंने कद्दू की सब्ज़ी को निकाल दिया। लोहे की कढ़ाई में मैं बनाती हूँ खाना, लोहे की कढ़ाई के बनने के बाद मैं तुरंत इसको निकाल लेती हूँ और खाना मैं बैठकर ही खाती हूँ। खाना हम सब बैठकर खाते हैं, कभी भी बेड पे या सोफा या कुर्सियों पर बैठ के नहीं खाते, हमेशा बेड। कपड़े उड़ते हैं, नहीं उड़ते, कपड़े उड़ते हवा में। मैंने नहीं उड़ाए, साक्षी ने उड़ाए, पर तो कपड़े उड़ते हैं, कपड़े उड़ते हैं, आपने नहीं उड़ाए। तू ही मारेगा सबको। क्या खाओगी? खट्टा पानी, मीठा पानी, लहसुन पानी, क्या हो पानी। बच्चों के साथ खेल के वैसे ही बहुत अच्छी थकान और सब टेंशन दूर हो जाती है, तो बच्चों के साथ ज़रूर इंजॉय करें, खेले कूदे। तो रात को छत पे फिर हम खेलने के बाद मैंने वॉक की, कम से कम 20 मिनट खाना खाने के बाद वॉक ज़रूर करती हूँ मैं, डेली का है और सबको ही करना चाहिए खाना खाने के बाद, जब भी टाइम मिले मॉर्निंग में जाएँ। या मुझे योगा इतना ज़रूरी नहीं है, पर वॉक करना बहुत ज़रूरी है, शाम को वॉक करना जाती ही हूँ ज़रूर, से फ्रेश हवा मिलती है, क्योंकि पूरा दिन तो घर में निकल जाता है, काम करते करते अपने लिए टाइम निकल जाता है, इस बहाने बाहर निकल जाओ तो थोड़ा अच्छा लगता है और फ्रेश हवा भी मिलती है और आँखों को भी बहुत अच्छा सुकून मिलता है, इसलिए वॉक करना ज़रूरी है, 30 मिनट या 20 ज़रूरी है, मैं ज़रूर करती हूँ। और बच्चों के साथ भी थोड़ा मुझे इंजॉय हो जाता है, बहुत अच्छा लगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।